स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो एक पूरी मुल्क में एक बड़ी तंजीम है छात्रों और युवाओं की, वो एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो जो लोकसभा इलेक्शन 2019 होने वाला है उस सिलसिले में एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो छात्रों और युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो वो फेस कर रहे हैं आज के सोसाइटी में, इसको पेश किया। ये स्टूडेंट मैनिफेस्टो काफ़ी एक्टिविज़म और एकेडमिक डिस्कोर्स के बाद छात्रों और युवाओं से उनके बारे में लेकर के एक रिपोर्ट बना करके पूरा एक डिस्कशन करके ये स्टूडेंट मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जिसमें तीन मुद्दों पर बात की गई। तीन मुद्दे जो हैं उसमें से पहला जो है वो है एजुकेशन के इशू को उठाया गया है, दूसरा जो है वो यूथ इश्यूज को उठाया गया है, युवाओं के मुद्दे को, और तीसरा जो अहम मुद्दा इसमें उठाया गया है वो है यानी कि ह्यूमन राइट्स का। हम समझते हैं कि ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जो इस पूरे इलेक्शन के डिस्कोर्स में की रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। अगर इन की मुद्दों से हट करके आज हम देखते हैं कि आज की सरकारें या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आज खड़ी हैं वो आज इस तरह की काम कर रहे हैं कि नए मुद्दे जो असल इश्यूज हैं उससे हट करके स्यूडो इश्यूज पर काम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद का इश्यूज हो या इस तरह के दूसरे इश्यूज को उठाया जा रहा है जो कि इस समाज के नवनिर्माण के लिए, समाज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, इस कंट्री को बेहतर बनाने के लिए, इंडिया को, बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। तो इसके लिए हमारा ये मकसद है कि स्टूडेंट मैनिफेस्टो के ज़रिए से हम सरकार के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि ये समाज के असल इश्यूज़ हैं। ये इसमें हम लोगों ने कई तरह के RTE राइट टू एजुकेशन के सिलसिले में बात की है, स्कॉलरशिप के बारे में बात की है, माइनॉरिटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन है उसको फुलफिल करने की बात की है, उसके बाद फिर राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट्स बन गया है उसके सिलसिले में बात की गई है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो रेगुलराइजेशन होना चाहिए, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, उन सब मुद्दों को इसमें डील किया गया है। तो हमारी ये मांगें हैं जो हम सरकार के सामने, आप जानते हैं कि ये इस पूरे 5 साल के अगर देखेंगे आप पूरी सोसाइटी में या सोशल मीडिया में या जहाँ भी, तो यूथ ही है जो पूरे एज ए अपोजिशन का रोल प्ले किया है। तो हमारा ये मांग है कि हम गवर्नमेंट के सामने या जो भी गवर्नमेंट बनाती है या जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उनके सामने हमारे ये मुद्दे हैं, उनको हम सामने पेश करते हैं और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो जो भी बनाए वो उसमें अपने हिसाब से इनको शामिल करें। मेरा नाम मोहम्मद शादमान नुमानी,